हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल। आई एम कामिनी बोंडी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न स्टैंडर्ड फिफ्थ सब्जेक्ट ईवीएस वन लेसन नंबर 21 बिजी एट वर्क अवर इंटरनल ऑर्गन्स द नर्वस सिस्टम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक है द फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सर्कुलरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम आर वेटल फॉर द बॉडी। दे हैव टू बी कैरिड आउट सीजेलेसली। देर आर सम टास्क दैट वी कैरी आउट ओनली वेन वी लाइक, फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग, रनिंग, स्टडिंग, प्लेइंग एक्सेट्रा। मतलब मध्यपटल, हृदय, पाचन संस्थान इत्यादि के कार्य हमारे शरीर के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि हमारे जाने अनजाने में भी ये दिन रात होते रहने चाहिए। और हम कुछ कार्य अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहे तब करते हैं। फॉर एग्जांपल बोलना, दौड़ना, स्टडी करना, अध्ययन करना, खेलना एक्सेट्रा। ओके, यू हैव लर्न दैट कोऑर्डिनेशन मीन्स पेइंग अटेंशन टू ऑल द डिफरेंट फंक्शंस एंड इंश्योरिंग दैट दे ऑल ऑकर एट द राइट टाइम एंड इन द राइट मैनर। Maintaining this coordination is the function of the brain. There is a network that connects the brain with all the different parts of the body. This is a network of nerves that carry messages to and flow between the brain and the parts of the body. The brain and a network of nerves are together called the nervous system. The nervous system functions to coordinate all our bodily functions. मतलब इन सभी प्रकार के कार्यों पर ध्यान देकर वे कार्य सही समय पर सही विधि द्वारा होंगे और इसका आश्वास होने को समन्वय स्थापन कहते हैं और जिसे तुम सीख चुके हो। ऐसा समन्वय स्थापित करने का कार्य मस्तिष्क करता है और मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न भागों में निरंतर संपर्क होता रहता है। इसके लिए ये संदेश वहन करने वाले तंतु एक दूसरे में परस्पर जुड़े होते हैं और इन्हीं तंत्रिका तंतु कहते हैं। और तंत्रिका तंतुओं के कार्यों पर मस्तिष्क ही नियंत्रण रख सकता है। ओके, अभी नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लास्ट नंबर का टॉपिक इस लेसन का, अदर सिस्टम्स इन द बॉडी। मतलब शरीर के अन्य संस्थान। वी हैव लर्न समथिंग अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, द डाइजेस्टिव सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द सिस्टम दैट कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल द सिस्टम्स द नर्वस सिस्टम। बिसाइड दिस देयर आर सेवरल अदर सिस्टम्स इन आवर बॉडी। देखो, इस लेसन में हमने श्वसन संस्थान, पाचन संस्थान, रक्त परिसंचरण संस्थान और इन सभी में समन्वय रखने वाली तंत्रिका संस्थान के संबंध में जानकारी प्राप्त की है और हमारे शरीर में इनके अतिरिक्त भी अनेक संस्थान है। फॉर एग्जाम्पल द स्केलेटल सिस्टम गिव्स सपोर्ट एंड शेप टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट्स द इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स इनसाइड इट। द एक्सक्रेटरी सिस्टम एक्सपल्स द वेस्ट सब्सटेंसेस दैट आर फॉर्म इन द बॉडी। मतलब फॉर एग्जाम्पल यह है शरीर को आधार या आकार प्रदान करने वाला और महत्वपूर्ण अंगों का संरक्षण करने वाला अस्थि संस्थान है और शरीर में निर्मित होने वाली कई अवांछित वर्ज्य पदार्थों को शरीर के बाहर निकालने वाला उत्सर्जन संस्थान होता है। द वर्किंग ऑफ ऑल दी सिस्टम्स इज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट देम। मतलब इन समस्त संस्थानों के कार्य अत्यंत जटिल होते हैं, उनमें संबंधित जानकारी होना भी हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। अभी नेक्स्ट है, ऑलवेज रिमेंबर इफ
the function of any one of our system is disturbed, it affects all the other system in the body too. मतलब हमारे शरीर के किसी अंग संस्थान का कार्य सुव्यवस्थित रूप में न होता तो अन्य अंग संस्थानों पर उसका कुप्रभाव पड़ता है. इस प्रकार यहाँ पे हमारा ये लेसन फिनिश्ड होता है. डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल्स.